बड़े बड़े संतों ने बड़ी बड़ी बात कही है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधुका कह गए सबके दाता राम। तो जो आलसी होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं भगवान का नाम तो हम ले रहे हैं, भगवान जी सब कर देंगे, पढ़ते लिखते नहीं है बच्चे, गुरु जी सब कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, गुरु जी तब करते हैं जब गीता के ज्ञान पे हम अमल करते हैं। गुरु जी ने कहा कर्म करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म करना हमारा धर्म है। तो कर्म करने के बाद फल उनके हाथ में, वो क्या देंगे, और जो फल वो देते हैं हमारे कर्म के विपरीत भी देते हैं, तो वो मेरे लिए भविष्य में हितकर होता है। हमको अभी नहीं मालूम, वो जब सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसलिए कर्म करना कभी ना छोड़े, और गुरु जी के कर्म सबसे बड़ा क्या है, पुरुषार्थ। जो भी हम जिस विषय में भी जहां भी जो पाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य हो जीवन में कि हम क्या बनना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं, वो सब हम उसके लिए मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, और साथ में एक पुरुषार्थ और करें कि हम भजन जरूर करें, सत्संग जरूर करें, क्योंकि गुरु जी सत्संग से खुश होते हैं। तो सत्संग का नियम भी जीवन में अपनाएं, कोई भी नियम। बच्चों को बड़ा काम होता है तो कोई बच्चे कहते हैं हम एक पन्ना किताब पढ़कर, एक पन्ना हम पढ़कर जाते हैं गुरु जी की किताब निकलते हैं। तो ये सब कोई एक नियम जरूर से लेना पड़ता है, और जब समय हो तो अगर हमको अंदर से पता होता है कि गुरु जी से ही सब मिल रहा है, तो उस समय हम जरूर सत्संग की कुछ वाणी सुन भी लेते हैं जहां मौका मिलता है। तो काम सच्चाई बच्चों को बहुत काम होता है कर रहे हैं जो उनको नहीं फुर्सत होती है, लेकिन क्या होता है कि भजन करने से बोले अगर हम लोग अनहोनी भी होनी होती है, ये हम अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं, अनहोनी भी हो लेकिन क्या है उसके लिए प्रेम की प्यास। प्रेम की प्यास का मतलब है जगानी पड़ती, मतलब हम अपने गुरु जी को इतना ज्यादा उनके विचार को अपने जीवन में अपना कर चलते हैं। गुरु जी के विचार ही तो है नम्रता कभी ना छोड़ो। कल भी गुरु जी अपनी वाणी में बोल रहे थे कि बड़ों का अपमान कभी भी गलत होता है, कहीं से सही होते हैं, तो बड़े भी गलत होते हैं, बहुत जगह गलत होते हैं, लेकिन उनका अपमान कभी ना कर सकते, है ना। इससे गुरु जी रूठते हैं, तो इसलिए अपनी वाणी पर विराम लगा लेना चाहिए, और वाणी पे विराम लगाए अच्छी सोच से। ये नहीं सोचे कि हम हमारे दबाया जा रहा है, ये सोच के कि इसमें ही हमारा भला है। वाणी का संयम अति जरूरी है, बहुत जरूरी है गुरु के विचार से। फिर देखो जीवन में क्या क्या होता है, खुद ही तुम देखोगे हम देखेंगे, महिमा तुम लोग गाओगे हम लोग सुनेंगे, हम भी महिमा गाएंगे तुम लोग सुनोगे। जय सतगुरु की।